उम्मत फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया, आम जनता को सरकारी योजना का लाभ दिलाया। उम्मत फाउंडेशन एनजीओ 4 साल से अहमदाबाद के मध्यम और गरीब लोगों के लिए रोजगार योजनाएं चला रहा है। इस फाउंडेशन के सदस्य सलीम मुंशी साहब, शेख अब्दुल कादिर आरिफ, शेख हबीब भाई मोदन टिम्बालिया साहब गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं, जिन्होंने इस फाउंडेशन को प्रदान करके आगे बढ़ाया है भर्ती समर्थन। उम्मत फाउंडेशन वाइस प्रेसिडेंट सिरिन मेमन का बहुत अच्छा योगदान रहा। इस तरह की गतिविधियां गरीब और मध्यम वर्ग की बहनों को ब्यूटी पार्लर कोर्स, सिलाई का काम और कई अन्य सुविधाएं उम्मत फाउंडेशन प्रदान कर रही हैं। दूसरी गतिविधि सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना है। रक्षक सेवा समिति के अध्यक्ष एन एच शेख साहब को भी सम्मानित किया गया। गुजरात हज समिति के अध्यक्ष इकबाल सैयद साहब को सम्मानित किया गया। तो फाउंडेशन की जरूरत पड़े से, एनजीओ की जरूरत पड़े से, अने अत्यारनो एक समय एवो छे के लोको पास टाइम न तो एवा समय में पण हिम्मत फाउंडेशन सरकार ने लोको वच्चे की कड़ी बनी अने जे लोको ने सरकार की योजना लोको सुधी पहुंचाड़े छे एक अभिनंदन पात्र छे। हूँ हिम्मत फाउंडेशन ने अभिनंदन पण आपू छू कि आवा समय में ये गरीब माणसों सुधी काम करी रह्या छे अने सरकार की योजनाओं गरीब माणसों सुधी पहुँचे ये घनी बड़ी महत्वनी बात है अने योजना समझवा लोगों ने समझावानी पण जे लोकोए जे आयोजन कर्युं छे ए बदल अमने फरीथी अभिनंदन आपू। जय जय भारत। हमने की जो टीम है इंशाल्लाह बहुत अच्छी टीम है और एक एजुकेटेड लोगों को लेकर हम लोग चला रहे हैं। हम लोग का मेन मोटिव हिंदू मुस्लिम या कोई भी कौम हो, हम लोग सबको साथ में लेकर चलते हैं। हमारे ट्रस्ट में भी सभी लोग शामिल हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम्स भी है, सभी कौम के भाई बहनों का हम लोग ने साथ लिया है और हम लोग इसी तरह यही प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ना चाहते हैं। आज ये प्रोग्राम भी बहरमपुर एरिया में रख रहे हैं कि हम लोग को ग्राउंड लेवल पर काम करना है और उनके पास जाके काम करना है। हमको कोई बड़े महल में या घरों में जाके काम नहीं करना। हम चाहते हैं कि जितनी गरीब बस्ती है उनको ये बेनिफिट मिले इसका। ये दुनिया के अंदर जो आप लोग एक इंसानियत का भी पैगाम दे रहे हो, ये जो आप चलाते हो एनजीओ, उसके लिए उसके बारे में क्या बोलेंगे? इंसानियत का पैगाम तो ज़रूर है, लेकिन आप सबका अगर सपोर्ट नहीं है तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। ये उम्मत फाउंडेशन है, उम्मत बना इसका नाम ही रखा है उम्मत, सिर्फ उम्मत के लिए है। इसमें कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कोई हमारा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, ले सकते हैं, कभी भी आके ले सकते हैं। हमारा अकाउंट चेक कर सकते हैं, हम लोग ऑडिट करते हैं। सबसे बड़ी बात, हम लोग एक रुपये का खर्चा उम्मत फाउंडेशन में नहीं डालते। जो भी खर्चा होता है हम लोग हमारी पूरी कम्युनिटी जेब से डालती है। मैं साथ में टिम्बल साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत सपोर्ट मिला है उनका। अभी हबीब भाई भी मेरे साथ ज्वाइंट हो रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं सब लोग आएंगे, जितने लोग ज़्यादा जुड़ेंगे ज़्यादा। और इकबाल भाई से भी कहा इसमें से इस हिसाब से कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है तो बताएं, हम लोग जरूर उसका बेनिफिट लोगों तक पहुँचाएंगे। हर तरह के पब्लिक के लिए भी अच्छा रहेगा।